नमस्कार दोस्तों, ABFL यानी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ, ठीक है। और देखें तो सबसे पहले नंबर्स ये दोस्तों वो करोड़ में हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखते हैं, तो इस बार 2987 करोड़ का बिजनेस है, जो पिछले क्वार्टर में 2651 करोड़ का था और एक साल पहले दोस्तों 2773 करोड़ रुपीज़ का था। बात करें अदर इनकम की, तो इस बार 58.47 है, जो पिछले क्वार्टर में 32.99 यानी 33 करोड़ कह सकते हैं और एक साल पहले 28.70 थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 3045 करोड़, और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ये 2684 करोड़ थी और एक साल पर 2802 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं कंपनी ने बिजनेस में जंप दिखाया है दोस्तों, ठीक है। आप चलते हैं और बात करते हैं भाई सब किस चीज़ की, तो बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे तो इस बार 333 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 277 करोड़ था और एक साल पहले 314 करोड़ थे दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। परचेज स्टॉक एंड ट्रेड देखेंगे 964 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 1025 करोड़ थी, एक साल पहले 1234 करोड़ थी दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए इन्वेंट्रीज में तो इस बार नेगेटिव 117 करोड़ की इन्वेंटरी है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव 71 करोड़ थी और एक साल पहले पॉजिटिव 297 करोड़ थी, ऑलमोस्ट 300 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन मोटराइजेशन की, 323 करोड़ रुपए है, जो पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ थी, एक साल पहले 251 करोड़ थी। रेंट एक्सपेंस 222 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 210 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों आप देखेंगे तो ये 206 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस मिला लेंगे 653 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 641 करोड़ थी, एक साल पहले 538 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 3110 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2859 करोड़ था और एक साल पहले 2639 करोड़ थी। साफ दिख रहा है लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 65 करोड़ रुपए का अभी भी लॉस है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ का प्रॉफिट कह सकते हैं लॉस था। तो लॉस में गिरावट जरूर हुई है लेकिन अभी भी कंपनी लॉस में है और एक साल पहले दोस्तों 163 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं जिसमें या तो लॉस होगा या तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट होगा, इनकम में हमेशा लॉस आप कह सकते हैं प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस कितना हो रहा है कंपनी को, 51 करोड़ के आसपास का, 51 करोड़ के आसपास का, जो पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ था, एक साल पहले ये 128 करोड़ का प्रॉफिट था। लगातार दूसरा क्वार्टर है कंपनी ने लॉस बुक किया दोस्तों, ठीक है। और 1.33 से घट के, माफ कीजिए, बढ़ के EPS 0.50 में आ गई है, ठीक है, और एक साल पहले 1.32 इसकी EPS थी। लगातार कंपनी घाटे में रह रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका असर मुझे नहीं लगता कैसा होगा, बट मुझे लग रहा है कि ये एक निवेशकों को झटका ज़रूर है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद।